स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अराफात खान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मुझे आप लोगों के मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर प्लीज़ प्लीज़ अपने लेक्चर्स में इतना बड़ा बड़ा गैप, इतना लंबा गैप मत लाया करें, डेली बेसिस के ऊपर अपलोड किया करें। काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेसिकली मेरी ये सॉरी एक्सेप्ट करिएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। सुबह की क्लासेज अलग हैं, फिर शाम की क्लासेज अलग हैं, रात की क्लासेज अलग हैं, तो सुबह से लेकर शाम रात हो जाती है क्लासेस के अंदर, तो रिकॉर्डिंग करने में बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो मैं मतलब ये कि एक फिक्स हो गया हूँ मामलात के अंदर ना, इसी वजह से मुझे बड़ा ज़्यादा गैप लेना पड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं हूँ कि गैप आए, लेकिन गैप आ जाता है लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए। तो उन सबसे मैं बेसिकली अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स अपलोड करूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर काइंडली आप डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किया करें। सबके लिए मैं सबको बेसिकली बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ कि वो मेरे लेक्चर्स को इस तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं, और इसके लिए मैं माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर पूरा नहीं उतर पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किया करूं। ठीक है जनाब, ये तो हो गई बातें थोड़ी बहुत। कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा चैप्टर जो चल रहा है दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर मोमेंटम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। उससे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब कर लिया तो वेल डन। आगे चलते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर का वर्ड अगर लिखा हुआ मिले तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट मोशन की या ट्रांसलेटरी मोशन की। मोशन की टाइप्स होती है ना, बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन। आसान सी बात है। तो अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, लीनियर पाथ पर मूव कर रही है, तो उसके सारे फैक्टर्स लीनियर होंगे। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर मोमेंटम होगा, सिंपल सी बात है, लीनियर एक्सेलरेशन होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट पाथ की हम बात कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि एक टॉपिक भी हमारा, सॉरी चैप्टर भी कौन सा है, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब हम बात ही लीनियर क्वांटिटीज की करते हैं। तो अभी तक हमने जो वेलोसिटी को डिस्कस किया, एक्सेलरेशन को डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को डिस्कस किया, ये सारी क्वांटिटीज लीनियर है। समझ रहे मेरी बात? एंगुलर भी होती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके फैक्टर्स एंगुलर भी होते हैं। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन फिलहाल हम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कौन से डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान सी बात है, इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करूं। मास 10 किलोग्राम एक बॉडी का मास है, तो आप बोलेंगे ये उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर है। सिंपल सी बात है, 10 किलोग्राम्स, किलोग्राम मतलब मास, ये उसका अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का अपना अपना अमाउंट मौजूद होता है, अपनी अपनी क्वांटिटी मौजूद होती है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होती है, मतलब कोई भी बॉडी मूव कर रही है, आप बाईसाइकिल पे हैं, बाईसाइकिल मूव कर रही है, आप बाइक पर हैं, बाइक मूव कर रही है, आप कार में बैठे हैं, कार मूव कर रही है, एयरप्लेन मूव कर रहा है, बोट मूव कर रही है, बुलेट ट्रेन मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी मूव करती है, इन स्टेट ऑफ मोशन होती है, तो उसके पास उस मोशन की भी एक क्वांटिटी होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन होती है, मूव कर रही होती है, तो उस बॉडी की उस मोशन की भी क्वांटिटी होती है, और उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कहते हैं मोमेंटम। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कहते हैं मोमेंटम। तो मैं काम ही करता हूं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को मजीद डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है,
अब ये तो हो गई सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन हो गई, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। एक काम ही करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं छोड़ देता हूं, मैं लिखने रहा, पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद हम नोट करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करते हैं। पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो ये एक बात ध्यान में बिठा लो, जिस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन जितना ज्यादा होगा उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा, और जिस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन जितना कम होगा उसको रोकना उतना ही आसान होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल कैसे, इमेजिन करना, मेरे पास ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मार्कर्स हैं, ये रहे दो मार्कर्स, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों के सेम मास होंगे, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन मैं कहूँगा इनके मासेस एज्यूम कर लेते हैं हम सेम है, मासेस सेम है। मैं इन दोनों मार्कर्स को आपकी तरफ फेंकता हूँ, इसको फेंका मैंने आपकी तरफ और इसको भी फेंका मैंने आपकी तरफ। अच्छा, ये दोनों मार्कर्स की मासेस सेम है, लेकिन मैं काम ये करता हूं, एक मार्कर को तेज फेंकता हूं और एक मार्कर को स्लो फेंकता हूं, मतलब एक फास्टर आ रहा है और एक स्लोअर आ रहा है, ठीक है, मतलब एक की वेलोसिटी ज्यादा है और एक की वेलोसिटी कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप इन दोनों मार्कर्स में से किसको आसानी से रोक सकते हैं, तो मुझे पता है आपका जवाब ये होगा, सर हम दोनों को रोक सकते हैं। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, आप माशाल्लाह बहुत ताकतवर इंसान होंगे, आप खाते पीते हैं, आप दोनों को रोक सकते हैं, मुझे पता है आप रोक लेंगे, लेकिन मेरे सवाल पर गौर करें। मैंने पूछा कि आप इन दोनों में से आसानी, मतलब कंपैरिजन आ गया, आसानी से किसको रोक लेंगे, एक को मैंने तेज फेंका है, एक को मैंने स्लो फेंका है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है, अब बताओ किसको आसानी से रोक सकते हो। तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस यूज करिएगा, आप बोलेंगे सर जो स्लो आ रहा है उसको रोकना आसान होगा एज कंपेयर टू जो तेज आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल और जिसका जिसकी वेलोसिटी कम है उसको रोकना आसान। तो जिसको रोकना आसान इसका मतलब उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, और जिसको रोकना मुश्किल इसका मतलब उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात, तो वेलोसिटी ज्यादा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, वेलोसिटी कम तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम। यानी कि पहला फैक्टर जिस पर क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड कर रही है वो क्या है, वो वेलोसिटी है। सेम मासेस की बॉडीज अगर मूव करें और अगर एक की वेलोसिटी ज्यादा हो एक की वेलोसिटी कम हो, तो याद रखिएगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, और कम वेलोसिटी तो बॉडी का मोमेंटम भी कम। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलें भाई चेंज करते हैं कंडीशन। एक डस्टर है, एक मार्कर है, सही है, ये वुडन डस्टर है। मैं अगर कंपेयर करूं दोनों को तो मैं कहूंगा इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसका है दोनों हल्के, इसका मास थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू डस्टर, इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है। मैं इमेजिन करवाता हूं, लेट सपोज ये पूरा का पूरा आयरन का बना होता, ये पूरा आयरन ब्लॉक होता, लोहे का बना होता, कंप्लीट फिल होता, तो मैं कहता उसका मास तो फिर ज्यादा हो जाता बहुत। इमेजिन कर लो, इमेजिन करने में कोई गुनाह नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट कि ये आयरन का बना हुआ है, ये भारी डस्टर है, भारी बल्कि फिर तो डस्टर रहा ही नहीं है, ये भारी एक ऑब्जेक्ट है और ये एज यूजुअल मार्कर है, ठीक है, ये हल्का फुल्का सा एक मार्कर है। एक काम ही करता हूं, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अब दोबारा आपकी तरफ फेंकता हूं, है ना, फर्क क्या है, इस बार मैं सेम वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा, जितनी वेलोसिटी के साथ ये आएगा आपकी तरफ उतनी वेलोसिटी के साथ ये आएगा, इसका मतलब इस बार वेलोसिटी सेम है, इस बार वेलोसिटीज सेम है, फिर क्या डिफरेंट है, हाँ मासेस डिफरेंट है, एक का मास ज्यादा और एक का मास कम, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा सेम क्वेश्चन आपके सामने रखूं, हाँ भी बताओ किसको आसानी से रोक सकते हो, सर दोनों को रोक लेंगे, हाँ मुझे पता है दोबारा सेम आंसर, दोबारा दोनों को रोक लेंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आसानी से किसको रोक लोगे, तो आप बोलेंगे सर जिसका मास कम है उसको आसान होगा रोकना, जिसका मास ज्यादा है उसको मुश्किल होगा रोकना। समझ रहे हैं, तो मैं कहूंगा मास ज्यादा मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा, मास कम
इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन कम, तो इसका मतलब मोमेंटम भी कम। तो समझ आ रही है बात? इन दोनों मिसालों से, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक बात पता चली कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है ये डिपेंड करती है बॉडी के दो फैक्टर्स के ऊपर, बॉडी के मास पर और बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर। मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, तो मोमेंटम भी ज्यादा। मास कम, वेलोसिटी कम, तो मोमेंटम भी कम। लिखे, कंप्लीट करें सेंटेंस को, क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन नंबर वन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से। नंबर टू फैक्टर क्या था? जल्दी बोलो दिल दिल में। हाँ भाई, नंबर टू फैक्टर क्या था? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी कि स्मॉल वी। तो भाई पता चला हमें कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक बॉडी के मास पर और दूसरा बॉडी की वेलोसिटी पर। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर आपने किसी भी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसी बॉडी के मास को उसी बॉडी की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब एक काम ही करते हैं कि हम क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम की एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, और मोमेंटम की एक डेफिनेशन और क्या बनेगी? द प्रोडक्ट ऑफ, मैं काम ही करता हूं, प्रोडक्ट के बाद जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको मेंशन करके ब्लू से लिख रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक डेफिनेशन ये रही और एक डेफिनेशन ये रही, दोनों डेफिनेशन में फर्क क्या है? एक डेफिनेशन में आप उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं, और एक डेफिनेशन में आप उसकी मैथमेटिकल कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। आप मल्टीप्लाई करें किस किस को? बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी के साथ। अगर आप क्या चाहते हैं? अगर आप मोमेंटम चाहते हैं तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। तो एक काम ही करते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। देखें भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम आपको मिल जाएगा जब आप क्या करेंगे, बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे बॉडी की वेलोसिटी के साथ। यह बन गया फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेट्स राइट दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इक्वल्स मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, अब आप नोट करें, यह बन गया इसका फॉर्म। ओके, अब आप नोट करें कि P के ऊपर आपको एरो नजर आ रहा है और V के ऊपर आपको एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं। इट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, इट इज आल्सो अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, वेयर एज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। तो इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं कि मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम, सॉरी स्केलर नहीं बल्कि वैक्टर, मोमेंटम इज अ वैक्टर क्वांटिटी, वैक्टर क्वांटिटी। सिंपल, यहां तक बात क्लियर है, है ना? अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी डायरेक्शन भी होती होगी। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो ये बात सुन लो मेरी गौर से। लेट सपोज अगर आपके पास एक बॉल है, एक बॉडी है, बॉडी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना? अगर ये बॉडी मूव करके जा रही है राइटवर्ड, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है राइटवर्ड, तो याद रखिएगा इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी राइटवर्ड। अगर एक बॉडी है जो कि मूव करके जा रही है अपवर्ड, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इसका मोमेंटम भी कहां होगा? इसका मोमेंटम भी अपवर्ड होगा। अगर एक बॉडी है जो कि मूव करके जा रही है डाउनवर्ड, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, तो इसका मोमेंटम भी कहां होगा? इसका मोमेंटम भी कहां होगा? डाउनवर्ड होगा। तो काम की बात यह है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम। अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो मोमेंटम भी अपवर्ड होगा, अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो मोमेंटम भी डाउनवर्ड होगा। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि मोमेंटम, मोमेंटम इज ऑलवेज, ये हमेशा ऐसे ही होता है, कभी कभी का चक्कर नहीं होता यहां पर, मोमेंटम इज ऑलवेज
in the direction of velocity. ये और वेलोसिटी हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं. आगे लिख भी दिएगा भले, दैट इज पैरेलल, पैरेलल. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. इसको हम कर देते हैं फुल स्टॉप. यहां पर आके ये पॉइंट खत्म हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम. जब भी कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसका हम एस आई यूनिट लाजमी चेक करते हैं. सो एस आई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम इज. ठीक है, अच्छा मोमेंटम के यूनिट को चेक करने के लिए मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करना होगा. तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला पी इक्वल्स. ओके, पी इक्वल्स. ओके, सबसे पहला आ रहा है मास. मास को हम मेजर करते हैं केजी के अंदर, यानी कि किलोग्राम्स के अंदर. ये आ गया मास का यूनिट, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. तो वी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मीटर पर सेकेंड. तो कैसे रीड करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और इसको लिखने का एक तरीका और, किलोग्राम मीटर सेकेंड को शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा इनवर्स. ये बन गया लीनियर मोमेंटम का एस आई यूनिट. क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यहां तक बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं. और क्लियर होनी भी चाहिए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको समझ लिया कि लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है. अब एक चलते हैं एक नए बेसिकली टॉपिक नहीं बल्कि इसके सेक्शन की तरफ. उसको हम बोलते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि लीनियर मोमेंटम का और लीनियर मोमेंटम का और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं. देखें, अभी तक आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. मैं यहां पर लिखता हूं इसको ग्रीन मार्कर से. अभी तक हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, पिछले टॉपिक के अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर. और आपने आज पढ़ा पी का फॉर्मूला होता है एम वी. F के फॉर्मूले में मुझे P नजर नहीं आ रहा, P के फॉर्मूले में मुझे F नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल अभी इन दोनों का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. अब हम क्या करेंगे, देखो मोमेंटम का मतलब हम बात कर रहे हैं P की, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब हम बात कर रहे हैं F की. अब हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जिस फॉर्मूले के अंदर F और P आपको दोनों एक साथ नजर आएंगे, जिसको हम बोलेंगे मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं फोर्स की, और F इज इक्वल टू एम ए. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन को. डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जिक्र आ रहा है तो हम इसके बेसिकली फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू एम ए. देखो छोटी सी डेरिवेशन करनी है. डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि आपने फर्स्ट स्टेप के बाद जो फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं उनके फॉर्मूला पुट करने होते हैं. मुझे पता है मास का कोई फॉर्मूला नहीं है, हां एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो हम यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करते हैं. और फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. अब एक काम ही करते हैं, इस मास को वीएफ के साथ भी लिख देते हैं, इस मास को वीआई के साथ भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के साथ. सो एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई एंड डिवाइडेड बाय टी, यानी कि टाइम के साथ डिवाइड कर दिया. ओके, ये देखें मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है. इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो इन दोनों को हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह आ जाएगा पी यानी के मोमेंटम. तो एम वी की जगह भी पी माइनस इस एम वी की जगह भी पी एंड डिवाइडेड बाय टी. ऐसा मत सोचिएगा कि पी से पी कैंसिल कर देंगे तो जीरो बच जाएगा. पता है क्यों, वो इस वजह से कि अगर वेलोसिटी फाइनल थी तो यह मोमेंटम फाइनल होगा, अगर वेलोसिटी इनिशियल थी तो ये मोमेंटम भी इनिशियल होगा. तो फाइनल वेलोसिटी की वजह से फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इनिशियल मोमेंटम. और हमें एक बात पता है, जब भी फैक्टर्स फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है चेंज का. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के. यह बन गया फोर्स का एक और फॉर्मूला. याद है मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उस फॉर्मूले के अंदर आपको फोर्स और मोमेंटम दोनों एक साथ दिख रहे होंगे. दिख नहीं रहे क्या आपको, दोनों एक साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं. इसी चीज को तो हम बोलते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हेंस प्रूव्ड, छोटी सी बात थी, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है.
तो आपके पास अब फोर्स के दो फॉर्मूला आ गए हैं। एक तो वो जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि न्यूटन्स सेकंड लॉ, और आज आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा फोर्स का, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सिंपल, देखिए मेरी बात सुनिएगा, अगर लिखा होता है डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसको हम रीड कैसे करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा है ना। अगर लिखा हुआ हो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको कैसे रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये देखिए ना, डेल्टा पी अपॉन टी लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे रीड करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला, सिंपल। तो याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, तो उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने वाला कोई और नहीं होता बल्कि फोर्स होती है। पहले काम ही करते हैं, इसका डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, उसके बाद इसकी कुछ चीजें वो डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे भाई, ओके क्या लिखेंगे, फोर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये बन गई फोर्स की एक और डेफिनेशन, मैं इसको ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं, ये आ गई फोर्स की एक और डेफिनेशन। आज आपने फोर्स की एक डेफिनेशन और पढ़ ली, और वो क्या पढ़ी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी के अब आपके पास फोर्स की डेफिनेशंस क्या क्या हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमने पढ़ा, जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में, यानी कि फोर्स का काम बॉडीज की स्टेट को चेंज करना। फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा, फोर्स का काम बॉडीज में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना, और आज हमने पढ़ा कि फोर्स का काम एक और होता है, बॉडीज के मोमेंटम को चेंज करना। तो फोर्स को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो गए, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फोर्स प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, एंड नाउ यू हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एंड दैट इज व्हाट, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये आ गई पूरी कहानी फोर्स की, समझ रहे हैं। तो फोर्स को जिस तरीके से चाहो डिफाइन कर देना, जिस तरीके से चाहो डिफाइन कर देना, टॉपिक वाइज पूछा जाए तो टॉपिक वाइज डिफाइन करिएगा, समझे मेरी बात। आगे चलें, ये आगे डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस बात का मतलब क्या है कि जब भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, बॉडी का मोमेंटम चेंज कोई और नहीं करता सिवाय किसके, फोर्स के। बॉडी का मोमेंटम कोई और चेंज नहीं करता सिवाय किसके, फोर्स के। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलें। एक काम ही करते हैं, ये देखें, ये डेल्टा पी लिखा हुआ है ना, मैं इस वाले फॉर्मूले को अरेंज करके यूं भी तो लिख सकता हूं ना, डेल्टा पी इक्वल्स फोर्स इनटू टी। क्या मैं इसको यूं करके नहीं लिख सकता क्या, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, टी डिवाइड कर रहा है वहां फोर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, आपको ये फॉर्मूला मिल गया चेंज इन मोमेंटम का, यानी कि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स टाइम, यानी कि फोर्स इंटू टाइम, समझ रहे हैं। और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं, यही फॉर्मूला भी होता है लीनियर इंपल्स का, लीनियर इंपल्स। ये जो डेल्टा पी दिख रहा है ना, इस डेल्टा पी का नाम क्या होता है, इंपल्स। पूरा लिख देता हूं, चलो यार, लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स। इस डेल्टा पी को आप चाहो तो चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हो, इस लीनियर मोमेंटम को आप चाहें तो लीनियर इंपल्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और इस लीनियर इंपल्स की आसान सी डेफिनेशन है, लिखी भी है सामने, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड लीनियर इंपल्स, डिफाइन कर देना, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इंपल्स। ये आ गई इंपल्स की डेफिनेशन, कौन सी इंपल्स, लीनियर, क्योंकि एंगुलर इंपल्स भी पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर।
तो ये कौन सा इंपल्स आ गया, लीनियर इंपल्स। एक काम ही करते हैं, इस लीनियर इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूले के साथ इस फॉर्मूले से इसका यूनिट ड्राइव करते हैं। हाँ भाई, अगर मैं इसका यूनिट ड्राइव करना चाहूं तो डेल्टा पी का जो यूनिट बनेगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो हमारे पास मोमेंटम का एक यूनिट और आ गया, दैट इज न्यूटन सेकेंड। मैं काम ही करता हूं इस वाले यूनिट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं, यानी कि मोमेंटम को न्यूटन सेकेंड से भी मेजर किया जा सकता है। भले से चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन है तो मोमेंटम ना, चेंज इन वेलोसिटी हो तो है तो वेलोसिटी ना, सिंपल सी बात है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी के लीनियर इंपल्स का जो यूनिट होता है बेसिकली वो होता ही मोमेंटम का यूनिट है। तो मोमेंटम को हम मेजर करते हैं इन दो यूनिट्स के अंदर, किन में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड्स के अंदर। तो आज का टॉपिक ही एंड करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी, किसके हवाले से, मोमेंटम के हवाले से, और मोमेंटम को हमने रिलेट किया किससे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, अगर क्लियर थे तो रिपीट हो गए होंगे, कुछ पार्ट्स नहीं पढ़े होंगे तो बात समझ लिए होंगे आपने, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो पर कॉमेंट करिएगा लाजमी, और अभी तक अगर आप बगैर सब्सक्राइब के चैनल मतलब वो वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, दैट विल बी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मोहम्मद अरफात खान को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू।